तो हम एलिफेंट बीच पे तो आ गए थे और इतना क्राउडेड था ना, बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए थे। तो ये बीच हमें सबसे क्राउडेड लगा, और बहुत सारी एक्टिविटी हो रही थी और एक्टिविटी के लिए अभी लाइनें लगी थी, और बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ थी। तो हमने उधर जाके ही सब एक्टिविटी बुक करवाई थी। तो मेरी थी अभी डीप स्नोकलिंग की एक्टिविटी, तो वो मैं करने जा रही हूँ अभी। तो वो एक्सपीरियंस मेरा कैसा रहता है वो भी मैं आपके साथ वीडियो के साथ शेयर करूँगी। और स्कूबा तो कर लिया है, तो अभी मुझे सब इजी ही लग रहा है। तो इसमें क्या होता है कि एक मास्क आपको देते हैं, और ना सी के ऊपर आपको फ्लोटिंग करना होता है सी के, तो बस वैसे ही है, नॉर्मल सांस ही आपको लेनी है, सिर्फ मास्क के पहना देते हैं। तो स्कूबा से तो मुझे इजी लगा, तो मैंने चलो इसका भी एक्सपीरियंस ले लेते हैं। तो बस देखो अभी मेरी बारी आ रही थी, और तो मैं अभी जा रही हूँ। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बहुत सारी एक्टिविटी है हो रही है, जैसे देखो आप देख सकते हो। लेकिन हमने दो तीन एक्टिविटी ली थी। क्या भाई तू जोतो रे वेद करू जे तारे करू करी दे। अभी वो बताएंगे रिव्यू बाद में बोलेगा। तो ये है मेरा डीप स्नोर्कलिंग का वीडियो। तो ये एक्टिविटी मुझे बहुत ही अच्छी लगी। अगर आपको कोई हेल्थ इश्यू की वजह से आप ना स्कूबा नहीं कर सके हैं, तो ये वाली एक्टिविटी आप डेफिनेटली कर सकते हो। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आप ये हेल्थ इश्यू है तो आप नहीं कर सकते हो, आप ये ईजीली कर सकते हो और आपको बहुत ही ईजी लगेगी ये एक्टिविटी। इसमें क्या होता है कि आपको एक ट्रांसपेरेंट मास्क पहना देते हैं, और ट्यूब होती है उसमें एक रस्सी बांध देते हैं, तो वो आपको रस्सी पकड़ के ना सी की सरफेस पे आपको फ्लोट करना होता है। और जो मास्क में आप इजीली ना
सांस, नॉर्मल सांस ले सकते हो, और बस देख, अब वो आप देख सकते हो कि कैसा ऐसा फ्लोट करना होता है। और जो स्कूबा का एक्सपीरियंस नहीं ले सके हैं, तो ये एक्सपीरियंस आपको डेफिनेटली लेना चाहिए। तो देखो फिश कितनी करीब आ रही है, और कोरल भी कितने अच्छे लग रहे हैं। तो अभी ये ऐसा लग रहा है कि फिश मुझे देखने आई है, मैं फिश को देखने आई हूँ, तो दोनों को ऐसा लग रहा है कि हम एक दूसरे को देखने आए हैं। तो मेरा ये एक्सपीरियंस तो बहुत ही अच्छा रहा। तो मैंने अपना एक्सपीरियंस वेद के साथ भी शेयर किया, तो मैंने बोला तुम भी कर लो ये वाली एक्टिविटी। वैसे आपने स्कूबा किया है तो ये वाली तो आपको इजी लगेगी। तो बस वो भी रेडी हो गया और वो भी ना करने जा रहा है अभी। और मैंने आकाश को भी बोला कि आप भी कर लो, लेकिन पता नहीं उनको ये सॉल्टी पानी से एलर्जी है, तो वो बल मना कर रहे थे और वीडियो हमारा बस ले रहे थे। तो ये बीच हमें बहुत क्राउडेड लगा, और ऑब्वियसली इधर बहुत सारी एक्टिविटी हो रही है तो बहुत सारे लोग आएंगे। तो ये एलिफेंट भी स्पेशल नहीं, नहीं, तो एक्टिविटी नहीं के लिए ही बस बना है। अंदर में आचल हो इन्हें देखा है ना, बीजू को हाँ रे देखाती है माथा नहीं यहाँ। हाँ ये मत देना वीडियो ले आऊं बात। फिलहाल को जो पीला मजा है ना पैराग्लाइडिंग में भी। आपने क्या है पैराग्लाइडिंग? चलो आप लोग बैठा था ये जो चलो कितनी मजा आई, बहुत मछली आती और दी थी तुमने ये भी तू नवा जाइए नवा गयो नवा गयो ये पड़े हैं नाम है जो चलो मैं पैरा सेलिंग करूं मैं नाम है वेदू पैरा सेलिंग और ये वेद का वीडियो है डीप स्नोर्कलिंग का।
खड्डा हो गया।